Good morning and Jai to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial and today I am going to explain you the last part of chapter 2 science component of food and the topic is balanced diet. To remain healthy you need all the nutrients in the right amounts. No single food items contain all the nutrients. Therefore, you need a combination of food items. A balanced diet is the one that contains the proper amount of each nutrients. However, a balanced diet is not same for everyone. इट डिपेंड ऑन द एज सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट डज देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान को हेल्दी रहने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की राइट अमाउंट में ज़रूरत होती है कोई भी सिंगल फूड आइटम सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन नहीं करता इसीलिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स खाने की ज़रूरत पड़ती है बैलेंस डाइट वो होता है जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स को कंटेन करता है इसमें डेफिनेशन ही दी है अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रेंट्स मींस हर न्यू सारे न्यूट्रेंट्स उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बट आपको पता है बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होता ये डिपेंड करता है सामने वाले की एज पे और इस चीज़ पे कि वो मेल है कि फीमेल या तो फिर वो किस तरह का वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए नॉर्मल और एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है अ ग्रोइंग चाइल्ड जो बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है इवन प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो वर्किंग लेबरर्स होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो देखिए जिसको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो अपने बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स युक्त ज़्यादा चीज़ों का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और जो लेबरर्स होते हैं वो उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे कि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे उसके अलावा हम कुछ डिस्कस करेंगे कि uh, कुछ कॉमन फूड आइटम्स उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने प्रेजेंट हो रहे हैं ईच फूड आइटम दैट यू ईट हैज़ अ सेवरल न्यूट्रिएंट्स सम इन ग्रेट क्वांटिटी एंड अदर्स इन लेसर क्वांटिटी द फॉलोइंग विल गिव यू एन आइडिया ऑफ़ द अमाउंट ऑफ मेजर न्यूट्रेंट्स इन सम फूड्स दैट यू ईट एवरी कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ में ज़्यादा प्रजेंट होते हैं कुछ कम प्रेजेंट होते हैं आपको एक आइडिया के तौर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए सीरियल्स सीरियल्स की एग्जाम्पल वीट एंड राइस इनमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग सेवेंटी परसेंट टेन परसेंट तक प्रोटीन्स होते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स आर देर फोर ईट विथ एवरी मील टू गिव एनर्जी इसीलिए इन्हें खाया जाता है जैसे वीट और राइस अपने मील में लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है शुगर शुगर याद है मैंने कहा था कि एक क्विक एनर्जी देता है शुगर इज़ हंड्रेड परसेंट कार्बोहाइड्रेट बट क्या ज़्यादा शुगर खाना हमारी बॉडी के लिए ठीक रहेगा नहीं ज़्यादा शुगर खाना आपके लिए अनहेल्दी रहेगा पल्सेज इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सिर्फ सिक्सटी परसेंट होती है सीरियल uh, से कंपेयर करें तो बट ट्वेंटी परसेंट इसमें प्रोटीन्स होता है इनके इन दे ऑल्सो हैव विटमिन एंड मिनरल्स पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एस्पेशली फॉर द पीपल हु फॉलो द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पल्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं और एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसके लिए तो प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट होता है तो जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं आठ महीने नौ महीने के तो उनके पेरेंट्स उनको पल्सेज बनाने के बाद जो इसमें थोड़ा वाटर के अमाउंट बढ़ा देते हैं फिर वही जो वाटर होता है क्योंकि उसमें पलसेज के न्यूट्रेंस प्रेजेंस होते हैं ना उसी को अपने बच्चे को फीड करते हैं फिश मीट एग्ज़ ये प्रोटीन की गुड सोर्सेज़ हैं ये हमें फ़ैट भी प्रोवाइड करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे मिल्क पीने से भागते हैं पर मिल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स और तीत को स्ट्रॉन्ग रखता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होते हैं ये हमें विटमिनस भी प्रोवाइड करते हैं कैरट्स आर रिच इन विटमिन ए देखिए कैरेट्स आप बहुत बच्चे नहीं खाते होंगे पर कैरट्स हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पिनिच एंड कैबेज आर रिच इन विटमिन एंड मिनरल्स दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ रफेज देखिए आज आप ग्रुप में बताएंगे कि स्पिनच में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है ठीक है आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा स्पिनच एंड कैवेज विटामस और, और मिनरल्स पाए जाते हैं ये और ये बहुत अच्छे रफेज के रूप में देखिए रफेज मैंने आपको बताया था रफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक बैलेंस डाइट में वाटर और रफेज की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्लैर क्लेरिफाइड बटर जिसे आप घी कहते हैं बटर ऑयल या इसमें हंड्रेड परसेंट फैट्स होते हैं इनको भी अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए बट एक लिमिटेड अमाउंट में ये नहीं कि सिर्फ घी घी या बटरी, बटर ही बटर ऑयल ही खाएँ क्योंकि बाहर थोड़ी आपको बाद में इशू होने लगेंगे ज़्यादा फैट्स भी आपके लिए दिक्कत दे सकती है अच्छा हम जब फूड जो हम न्यूट्रंट्स पढ़े थे तो मैंने बताया था न्यूट्रंस फाइव टाइप के होते हैं तो वैसे फूड को भी हमने ना थ्री ग्रुप्स में बांट दिया है थोड़ा रिकॉल कर लेंगे आपने पढ़ा है बस एक बार समझने की ज़रूरत है जो फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच uh, होते हैं मतलब फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं फूड्स रिच इन प्रोटीन हेल्प आ बॉडी टू ग्रो आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स ऐसे फूड्स जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के ग्रुप में बांट देते हैं और ऐसे फूड्स जो विटामिन और मिनरल्स मात्रा उसमें ज़्यादा होती है उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं क्योंकि दे प्रोटेक्ट अ बॉडी अगेंस्ट डिजीज तो अगर किसी ने फूड को तीन ग्रुप में बांटा तो पहला होगा एनर्जी गिविंग फूड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स आते हैं क्योंकि हमको ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दूसरे ग्रुप होगा बॉडी बिल्डिंग फूड्स जिसमें प्रोटीन्स आ जाएगा क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है थर्ड में आ जाएगा प्रोटेक्टिव फूड्स जिसमें फ़ैट्स और मिनरल्स रहेंगे जो आपके हो जाएंगे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इसीलिए प्रोटेक्टिव फूड्स तो ये तीन तरह के ग्रुप्स तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने आप देखिए जो इमेज इस पर अपलोड की है आप देख रहे होंगे जो ग्रीन जोन है उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिख रहे होंगे येल्लो जोन में आपको सारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले आट, फूड आइटम्स दिख रहे होंगे पिंक जोन में आपको फिश मीट ये सब दिख रहे होंगे ब्लू वाले में डेरी प्रोडक्ट्स लास्ट में कॉर्नर में देखिए राइट साइड में राइट साइड में देखिए कि आपको ऑयल और बटर दिख रहे होंगे तो इस तरह एक जो हेल्दी बैलेंस डाइट होते हैं उसमें रफेज वाटर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ओके एक्सरसाइज मैंने ग्रुप में तो करवा ही दिया है अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा टिल डिट टाइम जय हिंद